कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। देखो इसी के 176 पृष्ठ पे, 176 पृष्ठ पे यहां से शुरू होता है, तीर्थ कर रस्सब देव की जीवन घटनाएं। तीर्थ कर रस्सब देव की जीवन घटनाएं, तीर्थ कर रस्सब देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे, उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने रस्सब देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला दो से कर दिया। सुनंदा से तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला से भरत सहित 99 पुत्रों और एक ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर रस्सब देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को अपनी उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंप संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गया। साधना काल में पाणिपात्री रस्सब देव एक वर्ष तक निराहार रहे, यानी कुछ नहीं खाया। बाद में बाहुबली के पौत्र सर्यांश कुमार ने इक्षु रस यानी ईख गन्ने का रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि रस्सब देव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना आरंभ की, यानी दीक्षा देना। प्रथम धर्म देशना अर्थात दीक्षा भरत के पुत्र मारीची को दी, जो बाद में 24 में तीर्थ कर महावीर बने। बस इतना इससे लेते हैं। अब आपने जैन संस्कृति कोश, जो कि एक बहुत प्रमाणित शास्त्र बुक है, पुस्तक है जैन धर्म की, उसमें से निर्णय मिल गया कि राजा रस्सब देव के पुत्र भरत, भरत का पुत्र मारीचि और मारीचि से ही वैदिक धर्म, जब वो मारीचि वाले जीवन में था तब उनका उनसे वैदिक धर्म का उत्थान हुआ। फिर वो आगे चल के महावीर जैन बना, तो वो महावीर उसका जो है जैन धर्म का 24वां तीर्थ कर भी वही बना। तो उस वैदिक धर्म के प्रवर्तक और जैन धर्म के भगवान महावीर की क्या दुर्गति हुई उन साधनाओं से जो तत्व ज्ञानहीन ऋषियों और संतों से प्राप्त हुई। उससे वही उदाहरण बना रहा कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस उगाए। कोटि जन्म तू राजा के न मिटी न मन की आशा, और भिक्ष को कर दर दर घूमे मिला न रे निर्गुण राशा। रस्सब देव जी घर त्याग कर कति नी वस्त्र घूमन लाग गए थे लास्ट में। ये इसमें श्री सुधा सागर में प्रमाण है और महाभारत में भी इसका प्रकरण आता है कि रस्सब देव जी लास्ट में एक वन में चले गए कति नंगे और मुंह में पत्थर देकर घूमने लगे। उस जंगल में आग लग गई, दावानल बहुत भयंकर, और वहां राजा रस्सब देव जी का देहांत हो गया।
आगे चल के वही कहते राजा ऋषभदेव कौन बना, बाबा आदम बना। ये इन जैन धर्म की बुक में लिखा हुआ, आपको दिखाऊंगा। आगे चल के बाबा आदम बना और बाबा आदम गेला के बनी वो दिखाऊंगा आपको। अब देखिएगा ये है 293 पृष्ठ, वही आओ जैन धर्म को जाने, आओ जैन धर्म को जाने, इसी बुक पर आते हैं 294 पे। हमने यहां तक पढ़ लिया है कि पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ, पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीचि नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये राजा ऋषभदेव का पौत्र और भरत का पुत्र, ये मारीचि ही आगे चल के वैदिक धर्म का प्रवर्तक हुआ और साथ में जैन धर्म का 24वां तीर्थकर हुआ। ये देखिए मारीचि की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गा, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ये इंद्र कुबेर ईश की पदवी, इंद्र कुबेर ये देवता होते हैं। ये देखो ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ब्रह्म स्वर्ग के बाद कहा गया अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया सौधर्व स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर कहा गया इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया, उसके बाद कहा गया स्वर्ग से कहा गया भरत अक्षेत्र के मंदिर नामक गांव में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्नि मित्र नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया महेंद्र स्वर्ग में, महेंद्र स्वर्ग से फिर कहा गया मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र, उसके बाद महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर उसके बाद कहा गया महेंद्र स्वर्ग से इतर नगोद में एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव, नगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान के जीव का जीव कहा गया अनेकों भाव धारण किए। अब देखना कर्जा फट जाएगा, भगवान कहे मैं अभी जैन जी को, इस भगवानों की क्या दुर्गति हुई गलत साधना करने से, तत्वज्ञान की कमी तय। अनेक भाव धारण किए जो इस प्रकार है 1000 आक वर्ष के भाव, भाव माने जीवन, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के भाव, 90,000 केले के वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव और 60,000 बार वैश्या के भाव, ओहो 60,000 बार, और 5 करोड़ बार शिकारी, अब कर्म फोड़ दिए शिकारी बनकर 5 करोड़ बार, 20 करोड़ बार हाथी के भाव, 60,000 बार, 60 करोड़ बार, ओहो हजार नहीं 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, ओए होए 60 करोड़ बार नपुसंग के भाव, 30 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव और 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव, 60 लाख बार गर्भपात के मरण, गर्भपात से मरण, 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ, 80 लाख बार देवता हुआ, ओए होए। अब देखो पुण्यात्माओं, अब जैसे महावीर जैन जी का जो जीव था वो शिकारी बना और शिकारी बनकर अपने कर्म को उत्तम मानता था, 60 करोड़ बार होया शिकारी, एक बार भी नहीं, 5 करोड़ बार शिकारी हुआ। और जब वो शिकारी बनता था संतों के अभाव से, परम संत ना मिलने से, उस कर्म ने उत्तम मानकर करता रहा और वो कर्म इतने बिगड़ गए, आगे देखो कितनी बार कुत्ता गधा पता नहीं के जीव प्यारी आत्मा ने भोगना पड़ा। उसके बाद क्या होता है, 80 लाख बार तो केवल देवता हुआ और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार हाथी और 60 करोड़ बार
गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, ये भगवान, और 20 करोड़ बार, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, म्याऊं म्याऊं करके नरे मुझसे खाए, चूहे खाए। तो कहने का भाव ये है कि ये जन्म हमने कर्म क्यों बिगड़ गए, क्योंकि परम संत ना मिला और केवल 80 लाख बार देवता बन गया। और फिर के बना, महावीर जैन, और महावीर जैन से आगे उसने क्या क्या किया आगे और देखो, नरक में गया महावीर जैन वो वाला जीव ही, फिर नरक में गया, ये देखो वो तो अभी रह रहा है इसमें, ये देखो ये 295 पृष्ठ है, आओ जैन धर्म को जाने, ये आपने देख लिए सारे। उपरोक्त भाव को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया, राजगृह नगर में सथावर नाम का ब्राह्मण हुआ, और फिर महेंद्र सुरग में सात सागर की आयु वाला देव हुआ, फिर राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नाम का पुत्र हो गया, उसके बाद क्या हुआ, महाशुक्र सुरग में देव हुआ, फिर त्रिपुरुष नामक नारायण हुआ, फिर सातवें नरक में गया, और नारायण जी फिर सातवें नरक में गया, ये देखो सातवें नरक से कहां गया, ये 296 पृष्ठ पड़े। सिंह गिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया, ओहो फिर नरक में गया, उस नरक प्रथम नरक से निकलकर कहां गया, हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, यहां पर उसे अजिंत जय एवं अमित गुण नामक मुनि राज ने संबोधित किया। सिंह का जीव फिर किस पर्याय में गया, सौधर्म स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ, फिर सिंह केतु जीव से कहा गया, कनक पर्व नगर में राजा नकपुंख विद्याधर और रानी कनक माला से कंकोजल नामक पुत्र हुआ, कंकोजल आगे किस पर्याय में गया, सातवें स्वर्ग में देव हुआ, फिर सातवें स्वर्ग से कहा गया, अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरिसेन नामक पुत्र हुआ, हरिसेन का जीव कहा गया, महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, महाशुक्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहा गया, दातकी खंड की पूर्वी विदेही पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती हुआ, उस प्रिय मित्र नाम चक्रवर्ती आगे किस पर्याय में गया, सहसरा स्वर्ग में देव हुआ, फिर सहसरा स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ, फिर कहा गया, पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, तदंतर 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुए, और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, उत्तर 363 पाखंड मत चलाए, जय हो महावीर जैन की। अब देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें जो बता रहे हैं वो यथार्थ है कि ये दुर्गति तो उस महापुरुष की हुई है जिसने ऋषभ देव जी से उपदेश लेकर के साधना शुरू की थी। अब महावीर जैन जी ने स्वयं मनमुखी साधनाएं शुरू की, कोई गुरु नहीं बनाया, और परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देव दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं ते पूछो वेद पुराण। अब महावीर जैन जी ने कोई गुरु नहीं बनाया और 363 पाखंड या बकवाद पंथ चला दिए। एक या वेदों अनुसार साधक ऋषभ देव जी था, उसकी साधना से कितनी दुर्गति हुई, और उस साधना को भी छोड़कर मनमुखी साधना करने से महावीर जैन की आगे क्या दुर्गति होगी और उनके अनुयायियों का की के ब्रान माटी होगी, ये तो तत्व ज्ञान रूपी तराजू में तोल कर ही बताया जा सकता है। महावीर जैन जी ने मनमुखी साधना की, यह प्रमाण देते हैं आपको, ये देखिए ये जैन संस्कृति कोष तृतीय खंड तीसरी पुस्तक है, जैन संस्कृति कोष, जैन आध्यात्मिक एवं
दार्शनिक चेतना द्वितीय खंड, लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर और ये वही इनके प्रकाशक हैं। सेम टू सेम। अब यहां देखना 156 पृष्ठ पे, ये 155 पृष्ठ पे है। परीक्षावादी महावीर, भगवान महावीर परीक्षावादी थे, वे शंकराचार्य के सम्मान प्रत्ययवादी नहीं थे, परीक्षावादी थे वे शंकराचार्य के समान प्रत्ययवादी नहीं थे। आगे देखना 156 पे क्या लिखा है। उनके चिंतनशील व्यक्तित्व ने साधना काल में गहन चिंतन, मनन और अनुप्रेक्षण किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें विशुद्ध आत्मज्ञान के रूप में केवल ज्ञान की अजस्र ज्योति प्राप्त हुई। देशदा काल में परंपराश्रित उनके ज्ञान चिंतन की अभिव्यक्ति हुई और संसार को एक नया प्रकाश मिला। साधक महावीर तीर्थकर महावीर बने और उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक लगातार स्वानुभूति जन्य ज्ञान प्रकाश से प्राणियों के अज्ञान अंधकार को परछत्र कर उनकी भव बाधा को दूर करने का यथाशक्य प्रयत्न किया। ये देखो, सब अनुभूति जन्य ज्ञान प्रकाश से, अपने अनुभव से, जो उसने अपने जीवन में जो भी अनुभव हुआ उस अनुभव से आगे दुनिया का उद्धार किया, और जिससे उस सब अनुभव से ही 363 पाखंड मत चला दिए। अब राजा ऋषभ देव क्या बने, ये देखिएगा 149 पृष्ठ पर देखो, यही है आओ जैन धर्म को जाने, वही बुक है। इसके 149 पृष्ठ पे ये देखिएगा, ये तो ये प्रमाण है कि इसमें उस जैन संस्कृति कोष से ही ये ली गई है पुस्तक जो बनाई गई है। भगवान आदि श्री आदिनाथ ने किस वस्तु का आहार लिया था, इक्षु रस। आदिनाथ ये उसी को कहते हैं ऋषभ देव को, गन्ने का रस। भगवान श्री आदिनाथ को आहार पहले क्यों नहीं मिला, क्योंकि भगवान श्री आदिनाथ के पहले मुनि नहीं थे और वे आहार दान के लिए आवश्यक नवधा भक्ति करना कोई नहीं जानता था। नवधा भक्ति का ज्ञान राजा श्रेयांश को कैसे हुआ, भगवान के रूप को देखकर राजा श्रेयांश को जाति श्रमण हो गया और उसने विचार किया कि 8 भव पूर्व भगवान श्री आदिनाथ राजा व्रज संघ थे और मैं रानी श्रीमती का जीव था। हम दोनों ने 2 चारण रिद्धिधारी मुनियों से आहार दिया को आहार दिया था। अब इससे क्या है कि जो उनका पोतर था, पर पोतर था ये श्रेयांश, अब कहते हैं कि राजा ऋषभ देव को किसी ने उसका व्रत क्यों नहीं तोड़वाया जब वो निराहार बैठा था। तो इसने लिखा कि उनका कोई गुरु नहीं था, उनका कोई मुनि नहीं था उनसे पहले, यानी मनमुखी साधना ऋषभ देव ने शुरू की। लेकिन वो मनमुखी साधना जो की वो भी वेदों अनुसार ही की उसने, क्योंकि उससे पहले और कोई ज्ञान था ही नहीं। लेकिन ये हठ योग, घर त्याग कर निवस्त्र रहना, आहार ना करना, व्रत करना, ये हठ योग, ये काल प्रेरित था, ये शास्त्र विरुद्ध था। तो इस प्रकार से एक तो ये सिद्ध हुआ कि राजा ऋषभ देव का कोई गुरु नहीं था। फिर देखो 154 पृष्ठ पे लिखा है, ये देखो 154 पृष्ठ पे लिखा है, आओ जैन धर्म को जाने। कौन कौन से तीर्थकर को सभी धर्मों में पूजा जाता है, भगवान श्री आदिनाथ, आदिनाथ माने ये ऋषभ देव जी को। प्रश्न, इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या नाम माना गया है, बाबा आदम, आदम बाबा, यानी जो ऋषभ देव जी थे वो बाबा आदम थे। और यहां देखो,
फिर कहा कि वैदिक ग्रंथों में भगवान श्री आदिनाथ यानी ऋषभ देव जी को विष्णु का कौन सा अवतार माना गया, आठवां अवतार। अब वैदिक धर्म जो विष्णु आदि के उपासक हैं, हम पहले वैदिक धर्म कोई मानते थे, तो उसमें तो ये बाबा आदम जो ना ये ऋषभ देव जी को आठवां अवतार भगवान विष्णु का माना गया, और वो उधर से बाबा आदम भी यही आत्मा बनी जिससे क्या नाम है ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म की का उत्थान हुआ। अब आपको राजा ऋषभ देव जो बाबा आदम बने, बाबा आदम की क्या दुर्गति हुई ये प्रमाण और देते हैं। अब जैसे पुणात्मा जो एक ही शब्द परमात्मा की एक पंक्ति है कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खर बाबोरे कौआ हंस पुकारे, कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षे को कह दर दर घूमे मिला ना निर्गुण राशा, इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णु नाथ के लोक को जाकर फिर भी उल्टा आया। अब इसी को प्रमाणित करने के लिए ढेर सारे प्रमाण आपके समक्ष सदग्रंथों के दिखाए जाते हैं। ये बाबा आदम के विषय में ये नया जो हमारे को पहले वाले हमारे वहां रह गए सारे आश्रम में, ये नया जीवन चरित्र भी देखा नहीं। इसमें एक प्रकरण है कि नबी मोहम्मद जी को एक फरिश्ता आया और वो लेकर के एक गधे जैसे जानवर पर बैठा के ऊपर स्वर्ग में ले गया ऊपर, तो वहां क्या देखा कि वहां उन्होंने ईसा मसीह को देखा, हजरत मूसा जी को देखा, हजरत दाऊद को देखा, जितने नबी थे उन सब से मिला। और उसके बाद एक व्यक्ति देखा जो दाईं तरफ मुंह करके तो हंस रहा था और बाईं तरफ मुंह करके रो रहा था। उस फरिश्ते से हजरत मोहम्मद जी ने पूछा कि हे जबरील देवता, ये व्यक्ति कौन है जो दाईं तरफ मुंह करके हंस रहा है, बाईं तरफ मुंह करके रो रहा है? तो जबरील देवता ने बताया कि ये सभी व्यक्तियों का पिता आदम है, बाबा आदम है। हंसने और रोने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि जो दाईं तरफ ये मुंह करके हंस रहा है तो स्वर्ग के अंदर इसकी पुण्य संतान वो खुशी मना रही है, न वो सुखी है, उनको देखकर तो ये हंसता है। और दूसरी तरफ जो बाईं तरफ नरक के अंदर, बाईं तरफ नरक के अंदर इसकी जो निकम्मी संतान थी वो कष्ट उठा रही है और उनको नरक में तड़पते हुए देख करके रो रहा है, आय हाय। पुण्यात्माओं एक विशेष विचारणीय बात है कि जो इंसान स्वर्ग में जाकर भी दुखी, जो साधना बाबा आदम जी ने की वो ना तो हजरत मोहम्मद कर सकते ना कोई ईसाई धर्म का कोई और संत कर सका। और जैसे ईसा मसीह जी भी वहीं पर थे, जो साधना उन्होंने की जिस कारण से वो वहां पहुंचे, ईसा मसीह भी वहीं थे जो इन्होंने देखा, हजरत मोहम्मद जी ने देखा, और बाबा आदम भी वहीं थे। वास्तव में वो क्या है, वो पितृलोक है, और पितृलोक ऐसे जैसे पृथ्वी लोक है, उसमें ऐसे ही डिवाइडेड हैं अलग अलग, जैसे यहां धर्म बने वहां भी ऐसे अलग, जैसे जिस समुदाय के व्यक्ति जो भूत बन गए उस भूत समुदाय में मिल जाते हैं, जो पितृ पदवी को प्राप्त हो गए पितृ समुदाय में चले जाते हैं, और वहीं पर एक साइड में नरक है, एक तरफ में वो स्वर्ग है जिसको स्वर्ग मानते हैं, और उस स्वर्ग के ही एक साइड में पितृलोक है। तो हजरत मोहम्मद जी दाईं ओर देख करके रो रहे थे,
हंस रहे थे, बाई और देख करके रो रहे थे। तो जो व्यक्ति वहां स्वर्ग में भी चैन से नहीं है तो साधना से क्या लाभ हुआ। अब देखिएगा, यह है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोहम्मद इनायतुल्ला सुबानी, ये यहां से यहां देखना, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्ला सुबानी, अनुवादक है नसीम गाजी फलाही। ये है मरकजी मकदबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली। इसके देखना प्रश्न नंबर 164 पर, इसमें क्या लिखा है। प्यारे नबी यानी हजरत मोहम्मद ने अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे बैठे अल्लाह ने उनको जो बड़ी बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र करने लगे। बैतुल मरकादस के से आकाश पर जाने का हाल भी सुनाया, वहां कुदरत के जो जलवे देखे उनको भी बयान किया। आप यानी हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि इस तरह हजरत जबरील अलही मुझे पहले आकाश पर ले गए, वहां इंसानों के बाप हजरत आदम अलही मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद कर्म के कर्म थे और बाईं ओर बद के। हजरत आदम अलही ने आपको देखा तो बोले, तुम्हारा आना मुबारक है, नेक नबी है, नेक बेटे। आपने हजरत मोहम्मद ने पूछा, जबरील यह कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये आदम अलही हैं, सारे इंसानों के बाप। फिर जबरील आपको दूसरे आकाश पर ले गया। अब्दास ये दिखाना चाहता था कि जब ये बाबा आदम जो ऋषभ देव जी की आत्मा थी वो उसकी भी ब्रह्म माटी, तो आम जैनियों का क्या हाल होगा। हम अब ये देखना है कि परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं। मन तो चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। इतने प्रमाणों को देखकर ये दिल ऐसे धड़कने लग जाता है पुण्य आत्माओं का। पत्थर जैसे जीव है वो तो गधे बनो चाहे कुत्ते, उन्हें कोई चिंता नहीं, वो तो लठ खान के आदि बने हुए हैं। और जिनका भांग का नशा उतर गया, परमात्मा कहते हैं कबीर इस संसार ने, परमात्मा कहते हैं कि कबीर ये माया अटपटी और सब घट आण अड़ी, भाई किस किस ने समझाऊ ये तो कुआ भांग पड़ी। काल ने हमारे को यही एक ऐसा नशा कर दिया, यही माया के जोड़न में, इसी के जोड़ तोड़ नर बैंक भरण में या कोठी कार बनाण में, इसी नशे में इसी धुन में लगे रहते। अब जिनका ये भांग का नशा उतर गया इस माया का, तो उनको डर लगेगा। अब शराबी या भांग के नशे वाला चाहे कुएं में पड़ जाए, उसने पता ही नहीं तू कहां गिर रहा है, तेरा पैर कहां टिक रहे है, चाहे उसके बिजली के नंगे तार पर हाथ रख ले गिर गया उसके ऊपर मर गया पड़ा पड़ा। कई देखे ऐसे शराबी गिर गए उस नंगे तार के ऊपर, पैर टिक गया मर गए, मरे पाए सवेरे। कई ऐसे देखे कि शराबी कुएं में जोड़ में पड़ गए तालाब में डूब कर सवेरे ऊपर तरते पाए। तो वो तो है शराब के नशे में जो इतना कुछ ज्ञान समझ गए और फिर भी भय नहीं मानते, उनका नशा उतरा नहीं। और जिनका नशा उतर गया ये देख कर ऐसे जुल्म जीव के ऊपर होते हैं, और उसका फिर अब विकल्प है, उसका एक अल्टरनेट हमें मिल गया है कि इसका समाधान है। अभी तक तो ये ऋषि महर्षि नकली संत गुरु ये कहा करते जन्म मृत्यु तो होगी ही होगी, इसका कोई विकल्प नहीं, इसका समाधान ही नहीं है। अब हमें इसका समाधान मिल गया, और अब बिना करवाओगे तो हमारे जैसे नालायक नहीं।
तो क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भर मत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरब अबोरे कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धुरमराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर फिर भी उल्टा आया, असंग जन्म तन मर्त्या हो गए जीवित क्यों न मर रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे बहोर न देह धर रे। दोजक भ्रष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया, भाई सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर असथाना, चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर सब मिले राम अविनाशी। अब इसका समाधान बताते हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर पुर को जाकर फिर भी उल्टा आया। अब आपने इतिहास देख लिया, राजा ऋषभ देव जी का, राजा ऋषभ देव और मारीचि उनके पौत्र यानी पोते जिनसे वैदिक धर्म चला, और उस वैदिक धर्म के अंतर्गत राजा ऋषभ देव जी को आठवां अवतार विष्णु जी का मानते हैं। उस विष्णु जी के आठवें अवतार की क्या दुर्गति हुई, राजा वो बाबा आदम हुआ और बाबा आदम पित्र बनकर वहां ऊपर स्वर्ग में वो मोह ममता फिर बिना छूटी जो इस दुख का मूल कारण है, वहां पर भी देख रहा है अपनी संतान के मोह में जो नरक में दुख पा रही उन्होंने देख कर रोए है, जो इधर स्वर्ग के अंदर है उनको देख करके हंस रहा है। अरस शोक है स्वान गति ये संशय सर्प शरीर, राग द्वेष बड़े रोग हैं ये काल की पड़े जंजीर, परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तो न मृत्या हो गए जीवित क्यों न मर रे। अब जीवित मरना यह है कि मन तो यहां संसारिक इच्छाएं करता संसार की जो सुविधाएं इनकी, लेकिन आत्मा से इनको ज्ञान से नकार दे और ज्ञान से ये अपने आप दूर हट जाएंगी। केवल इतनी ही मांग करे भगवान से कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जाए, इसमें फिर सब कुछ आ जाता है, इस डिमांड में सारी ये सारा कुछ आ जाता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट समय पर होगी परमात्मा आप पर पूरी करेगा। हम बार बार मांगते रहते हैं ये दे दे छोरे ने एक मोटरसाइकिल मिल जाए, भगवान पास हो जा, इतनी मांगते रहते हैं, लड़की का लड़का हो जा, बहू का लड़का हो जा, ये तो परमात्मा को पता है कि किसको क्या देना है, और मेरे बच्चों को, क्योंकि हम इसके ऑपरेशन थिएटर में आ गए, जब हम रोगी होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है इसका ट्रीटमेंट ऐसा होगा और उससे भी नहीं होता तो ऑपरेशन होगा, तो फिर डॉक्टर की चलेगी मरीज की नहीं चलती वहां। आप इस परमात्मा के दरबार में आ गए हो, जन्म मन का रोग कटवाना है, तो अब ये परमात्मा डॉक्टर है यानी संत के जो आदेश है उसी की चलेगी, मरीज ने अपनी नहीं चलानी चाहिए, नहीं तो वो रोग अधूरा रह जाएगा, वो कटेगा नहीं। अब पहले दूसरे बच्चे आते हैं दूसरा नाम ले लेते हैं, एक दो तीन वर्ष तक तो हम बार बार इसलिए बुलाते हैं कि आप ज्ञान को समझे हम के कहना चाहें, वैसे ये छोटी मोटी सुविधाएं तो आपको फर्स्ट आते ही दे देगा परमात्मा, क्योंकि आपको यहां लालच में लाने के लिए ताकि ये रोग कटवा लें और
जो कहीं नहीं मिलती वो तो आपको यहां पहले दे देगा। फिर आपको इतना तो विश्वास हो जाएगा कि भगवान तो सहयोग यही दे रहा है और कितने भी को नहीं मिला। इसके कारण आप यहां आते रहोगे तो ये अमृत वर्षा ज्ञान की आपके ऊपर बौछार होगी और आपकी अंतःकरण को यहां इस वचन रूपी मोगरिया का अच्छी तरह कूट कूट का वो मैल काट दिया जाएगा, चोट मार मार के वो मैल निकल जाएगा, आत्मा निर्मल हो जाएगी। निर्मल होने के बाद फिर यह कुछ ना मांगे, जो ज्ञान समझ में आ जाएगा, फिर तो जन्म मृत्यु से छुटकारे का ही ये संकल्प करेगी और समाधान मांगेगी। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि अर्जुन इस पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होने के उपरांत और मुझ से परिचित होने के उपरांत कि मैं कौन हूं, ये भगवान कहता है काल गीता ज्ञानदाता कि मुझ से परिचित होने के बाद और संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होने के बाद और उस तत्ब्रह्म से परिचित होने के उपरांत, तत्ब्रह्म से परिचित होने के उपरांत ये क्या मांगता है? केवल जरा मरण से छुटकारे का ही प्रयत्न की मांग करता है, संसार की कोई सुविधा नहीं चाहता। तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत उसको पता चल जाता है कि ये काल है, इसके लोक में जन्म और मृत्यु पर बिल्कुल होती रहेंगी, कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। और तत्ब्रह्म माने उस परमात्मा के विषय में, वो तत्ब्रह्म कौन है ये देखिएगा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और इसके अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 29 में। यह है जरामरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु। विदु माने जानते हैं, तत्ब्रह्म उस परमात्मा को, उस रब को। कर्चनम अध्यात्म यानी पूरे अध्यात्म ज्ञान को, कर्म और सारे कर्म को, सभी अध्यात्म को समझते हैं। ये देखो इसका अनुवाद यहां पर किया है, ये है अनुवाद, ये है 7 अध्याय 29 में का, जो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे ये तत्ब्रह्म उस ब्रह्म, ब्रह्मन भगवान, उस भगवान को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। ये देखो 8 अध्याय अथ 8 अध्याय अर्जुन पूछता है किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम से किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, वह तत्ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है, वह परमात्मा, वह रब, उस रब का भजन करो, उस रब का ये तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? इसका तीसरे मंत्र श्लोक में उत्तर दिया है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब तीन परमात्मा हैं, जैसे ब्रह्म, परब्रह्म, सर्वपुरुष, अक्षर सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। अब 15 अध्याय के 16 और 17 में तीनों का वर्णन है, ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 गीता जी, और यहां पर ये 16वां श्लोक है। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके छरस अक्षर एवं च, छर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इसका यहां इन्होंने अनुवाद किया है, यहां देखना। इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुषौ, पुरुष माने भगवान है या पुरुष माने प्रभु है, ऐसे जानना। इन्होंने पुरुष लिखा है, दो प्रकार के भगवान है, प्रभु है, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी का। इसमें कमाल किया है 17वें में, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ भगवान तो ऊपर वर्णित छर पुरुष, ये देखो छर से अक्षर, ये छर ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म, इन दोनों से कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते,
यह लोकतरम आविश्य विभर्ति अवे ईश्वर है। उत्तम पुरुष उत्तम भगवान तो ऊपर वाले दोनों परमात्माओं से भी कोई और ही है, अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब जैसे यही परमात्मा कह रहे हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। बिना भजन भय मिटे न जम का समझ बूझ रे भाई, भाई सतगुर नाम दान जिन दीन्या ये संतों ठहराई। अब वो रब कौन है? सत कबीर नाम कर्ता का, कल्प करे जल देवा, भाई सुमरण करे सुरत से लापे पावे हर पद वेवा। परम पिता के पाने का वो विधि उसी को मिलती है जो सच्चे दिल से उस परम पिता का भजन करता है। कौन है वो भगवान? अवधु ले तन मन का लाहा, वो चीनो ज्ञान अगाहा। अगाहा माने आगे का ज्ञान, तत्व ज्ञान समझो। परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहेब जी भगवान कबीर साहेब के बारे में बता रहे हैं। अवधु ओधु यानी ये भक्त आत्मा, ये भोले व्यक्ति, ये भोली आत्मा। अवधु लेत लेतन मन का लाहा, वो चिन्हो ज्ञान अगाहा। क्या बताते हैं? काशी गैन बहन वह प्राणी, प्रयाग नहात है माहा, बिना नाम जुनी नहीं छूटे भर में भूल भुलाहा। भाई सहस मुखी गंगा नहीं नाते, दो जक ये खोदत उजड़ बाहा, नारद व्यास सुख देखो पूछो ये चारों वेद उगाहा। कहते हैं तुम नारद ने वेद व्यास ने और संतों ने महर्षियों के अनुभव देख लो और चारों वेदों में पूछ लो, वो भी इसी चीज के गवाह हैं, उगाह हैं। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के 25 से लेकर के और 34 तक यही बताया है कि कोई तो साधना देवताओं की पूजा करते हैं, कोई ब्रह्म को फाइनल मानते हैं, कोई ऊपर को पैर करते हैं, कोई योग अभ्यास से ही प्रभु प्राप्ति मानते हैं, लेकिन नहीं, उस परमात्मा की भक्ति के विषय में परमात्मा ने पूर्ण ब्रह्म ने के मुख कमल से मुख्य वाणी में यानी तत्व ज्ञान में विस्तार से विचार दिए हैं, उनको सुनो, उस तत्व ज्ञान को सुनो। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन। गीता ज्ञान दाता कहता मैं परिचित नहीं हूं, नहीं तो गीता ज्ञान में लिखी देता वो, जहां 18 अध्याय बोल रहे हैं एक और बोल देता उन्हें 19वां। नहीं, उसके लिए कहा कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर, उनको दंडोत प्रणाम कर और निष्कपट भाव से विनम्र भाव से उनसे प्रश्न करके उस तत्व ज्ञान को पूछ, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परम पिता के पाने की विधि बताएंगे। यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में और 13 में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा को कोई तो जन्म लेने वाला, कोई कभी जन्मने वाला, इतना कहकर छोड़ देते हैं। उस परमात्मा के विषय में तो तत्वदर्शी संत जो ज्ञान देते हैं उनसे सुनो। और यही अब परमात्मा बता रहे हैं, ओ धूले तन मन कालाहा, वो चीनो ज्ञान अगाहा। ज्ञान आगे का ज्ञान अगाहा, सबसे उत्तम ज्ञान को चिन्ह, उसको प्राप्त कर। काशी गहन बहन भय प्राणी, प्रयाग नहात माहा। कहते नाना प्रकार की साधना करते हैं, कोई काशी में जाता है, कोई प्रयाग में जाता है, कोई माँ मनावे, कोई पो मनाने जाता है। भाई बिना सतनाम जुनी ना छूटे ये भ्रम में भूल भुलाहा,
भूल भुलैया में घूम रहे हो, उस सच्चे नाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता। सहसमुखी गंग नहीं नाते, सहसमुखी गंग यानी ऊपर सतलोक में परमात्मा के वो अमर ज्ञान के फुहारे छूट रहे हैं, कहते वहां चलो वो देखो। सहसमुखी गंग नहीं नाते, इस तत्व ज्ञान रूपी हजार मुखी गंगा में नहीं नाते। और खोदत उजड़ बाहा, बाहा यानी रजबाया क्या करना, अलग अलग से आप अपने किरा कितनी नहरे बना डाली, जमुना में नहाते ये लाभ, सरस्वती में नहाते ये लाभ, गंगा में नहा ले ये लाभ, वहां गोदावरी में नहाने से ये लाभ, गया में दान कर दे ये लाभ, कहती ये तो उजड़ बाहा, बिना मतलब के ये खड़े खोद रखे, बाहा रजबाहा। नारद व्यास सुखदेव, नारद व्यास पूछ सुखदेव कु ये चारों वेद उगाहा, पंथ पुरातम खोज लिया वो चाले अवगत राहा। जिन्होंने वो पुरातम सनातन ज्ञान, पुरातम जो परमात्मा का वास्तविक ज्ञान है, जिन्होंने वो खोज लिया, फिर वो चाले अविगत रहा, उस परम पिता के पाने वाले रस्ते पर ही वो चल पड़ते हैं, वो भरमते भटकते नहीं। पर पंथ परातम खोज लिया है चाले अविगत रहा, सुख दे ज्ञान सुना शंकर का, मिटी न मन की दाहा, या मन की आग नहीं मिटी, ज्ञान भी सुख उसका ज्ञान भी सुन लिया। भगवान शंकर जब पार्वती को ज्ञान सुना रहे थे तो सुखदेव ने अंडे, गंदे अंडे, तोते के गंदे अंडे में जीवात्मा थी, वहां वो ज्ञान भी सुन लिया, उससे उसमें कुछ शक्ति भी आ गई, वो उड़कर भी चल पड़ा, और फिर उसको छोड़ करके मानव शरीर भी मिल गया, लेकिन वो मन की आग मिटी नहीं जब तक परम संत नहीं मिलेगी, और जन्म मृत्यु नहीं मिटेगी। दो तपिया गुण तप तप को लागे बंदे हु हु हा हा, लग्या श्राप पड़े बहु सागर कीने गज गिरा हा। शिव शंकर के तिलक दिया है, शिव शंकर के तिलक किया है, नारद सोजा साहा, ब्रह्मा जी को चोरी रचिया किया गौरी का ब्याह। 108 गए तन पर लो बहुर किया निर्वाहा, शिव के संग गौर जा उभरी मिट्यान काल सुराहा। अब देखो कहते हैं पार्वती पार हो, कहते हैं ये कितनी पार नहीं हुई, ये केवल इतना ही इसका मोक्ष हुआ, जब तक शंकर भगवान नहीं मरेगा या इसके साथ रहेगी, लेकिन मिट्यान काल सुराहा, ये काल के जो बाले है ना, काल के जो दुख है वो समाप्त नहीं पार्वती नासिक के। जो सर्पा की पूछ पकड़कर अंदर पलटा झाहा, नीर कबीर सिंध सुख सागर पूर्ण ब्रह्म जुलाहा। परमात्मा क्या बताते हैं, जैसे सर्प जो होता है ना बहुत बड़ा होता है, सर्प इतना बड़ा यानी 5-6 फुट का ऋषा मोटा अजगर होता है, एक झाहा जानवर होता है नेवले जितना, एक बिलांत का यानी 8-9 इंच का लंबा होता है, उसके पूरे शरीर पर बहुत नुकीले बाल होते हैं, कांटेदार, बहुत जबरदस्त कांटे होते हैं तेज। तो वो झाहा पक्ष जो जानवर है, जीव जानवर, वो सर्प की पूंछ पकड़ लेता है, और उसकी सर्प की पूंछ मुंह तो पकड़ कर और अंदर को मुंह कर लेता है, और वो गींदड़ी उसकी ऐसे गेंद सी बना लेता है। अब सर्प जब उसका डंक मारे तो सर्प मरे, क्योंकि वो लागे उसके वो काटे मर जाए फूट फूट कर, तो सर्प उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये काल रूपी सर्प, ये यहां का भगवान, और हमने परमात्मा का ये मंत्र रूपी ये जाहा जीव हम बन गए, लेकर परमात्मा का नाम और दैविक काल की पूछड़ी में हम बैठ गए। अब ये फण पटकता रहेगा, हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास सतनाम रूपी वो कांटे, वो त्रिशूल चारों तरफ परमात्मा ने प्रोटेक्शन के लिए ला दिए, हम ऐसे बन जाते हैं। जो सर्पा की पूछ पकड़कर अंदर पलटे झाहा, नीर कबीर सिंध सुख सागर पूर्ण ब्रह्म जुलाहा।
हमरा ज्ञान ध्यान नहीं बूझा, समझ न पड़ी अगाहा, दास गरीब पार कैसे उतरे भेटा नहीं मलाहा। परमात्मा कहते हमारा ज्ञान तक किसी ने समझा नहीं, फिर उनको आगे का ज्ञान कैसे समझ में आवे, क्योंकि 600 साल पहले तो कबीर परमात्मा कहिए वो गुणगान करके, और आज से 200 वर्ष पहले गरीबदास जी को आकर मिले परमात्मा, उनका ज्ञान योग खोल दिया, उन्होंने फिर ये वर्णन किया। उसके बाद किसी का समझ में नहीं आई, वही कर्म करते रहे, ये गरीबदास वाले भी वही पूजाएं करते हैं, वाणी अवश्य पढ़ते हैं लेकिन क्रियाएं वही करते हैं जो जनसाधारण करते, और वो नाम नहीं है। तो परमात्मा यही कहते हैं कि हमारा ज्ञान ध्यान नहीं बूझा, अब समझ न पड़ी अगाहा, उनको आगे का फिर समझ नहीं आई, दास गरीब पार कैसे उतरे भाई बैठा नहीं मला। अब दरिया से पार जाना है, मला है नहीं, नौका पर बैठ के चलाना किसे नाता नहीं, वह चक्कर काट कूट के किधे भौर में जाकर पूरे ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए गरीबदास साहब जी ने कहा है कि नारद व्यास पूछ सुख देखूं, ये चारों वेद उगाहा। हम जो ज्ञान देते हैं इस ज्ञान के चारों वेद भी गवाह हैं। इसलिए पुण्यात्मा भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। केवल कबीर परमात्मा के भजन करने से ही आप जी का कल्याण होगा, और वो आपको मार्ग मिल चुका है। बोलो सतगुरुदेव की। कर जोरू विनती करूं, धरू चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीस रखूं, कहूं जो कहनी हो, कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आज अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात, गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं, तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदो तीन के हरदन सम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे, अवगुण मेरे बाप जी, बक्सो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता कुलाज, मैं अपराधी जन्म का, नक्षक बरे विकार, तुम दाता दुख बंदना, मेरी करो संभार।
राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। बंदे तू कर बंदगी जैसा वीदार, अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं जटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डर। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास कर बंदगी बहुर न ऐसा दावे। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पहरे नू। ये सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। लोहे के सा ताब जात है लोहे के सा, काया दे सराही रे संतो। यो सौदा फिर नाही, यो सौदा यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी महाराज को वो अनमोल ज्ञान बताया, वो तत्व ज्ञान दिया। परमात्मा का साक्षात्कार करने के उपरांत आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने परमात्मा प्राप्ति और भगवान की भक्ति ना करने से क्या हानि, परमात्मा प्राप्ति की क्या विधि है, ये सभी प्रकार का ज्ञान अपनी अमृतवाणी में वर्णित किया। उन्होंने क्या बताया है कि जैसा मोती ओस का, सुबह ओस घास पर ओस गिरी होती है और घास के ऊपर लटक रही ओस की बूंदें सूर्य के प्रकाश से ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे मोती चमक रहे हों, और एक घंटा सूर्य उदय होते ही वो सभी की सभी जल, वो मोती अर्थात वो जल सूख जाता है, वो मोती खत्म हो जाते हैं। परमात्मा हमारे मनुष्य जीवन की उससे तुलना करते हुए बताते हैं, गरीबदास साहेब जी कह रहे हैं कि भगवान ने हमें ये तो ज्ञान दिया, मुझे तो वही ये भूला नहीं जाता और आप सभी को मैं वही दोहरा रहा हूं। गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे,
आप कहते हैं तेरी सखी थी। जैसे मोती ओसका ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी भौर न ऐसा दावे। मानुष जन्म और फिर ये तत्व ज्ञान कहती ये दाव फिर नहीं लगेगा, परम संत की प्राप्ति। ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैर।